हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहास क्रिस्पी फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल लड्डू। इसके लिए सबसे पहले हम नारियल को तोड़ेंगे। तो हमने नारियल को तोड़ दिया है। अब हम नारियल के जो कठोर हिस्से हैं उसे निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने नारियल को तोड़ लिया है। नारियल तोड़ना जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने नारियल को तोड़ लिया है। हम नारियल के आउटर सेल को हम निकाल लेंगे, जो कड़ा हिस्सा है। तो देखिए नारियल कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल वाइट। तो नारियल के हमने जो छिलका था बाहर का आउटर सेल, उसे हमने निकाल लिया है और अच्छे से नारियल को धो लिया है। अब हम नारियल को घिस लेंगे। तो देखिए, नारियल को इस तरीके से घिसने वाला जो आता है उसमें रखकर घिस लेंगे और पतले पतले इसका टुकड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी, इसलिए वीडियो मैंने पॉज कर दिया। तो इसको नारियल को, उसके बाद देखिए ये ऐसा महीन महीन टुकड़ों में टूट जाएगा। बिल्कुल सारे नारियल के साथ हमें ऐसा ही करना है। हमने लिया है लगभग 2 नारियल। तो तोड़ने के साथ ही हमारा फेवरेट काम होता है नारियल को खाना। तो कुछ टुकड़े मैंने खाए हैं, इसलिए लगभग 2 नारियल हैं। अब पूरा नारियल हमारा घिस चुका है। तो अब चलिए चढ़ाते हैं कढ़ाई, उसे गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। तो हमने डाला है 2 चम्मच घी, और घी गर्म हो जाए उसके बाद हम नारियल को इसमें डाल देंगे। नारियल डाल देंगे, उसके बाद हम इसे मात्र 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, वरना ये ड्राई हो जाएगा। तो चलिए इसे 5 मिनट तक भूनते हैं। बस इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब तक ही हम इसे भूनेंगे। तो देखिए नारियल को थोड़ा सा चला देते हैं। ध्यान रहे नीचे जो है ये चिपक जाएगी, इसलिए इसे लगातार चलाते रहिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। 1 कप हमने दूध डाल दिया, और दूध डालने के बाद भी इसे 5 मिनट तक भून लेंगे ताकि ये थोड़ा मुलायम हो जाए। तो दोस्तों, आप फ्लेम को जो है मीडियम में रखिए, इससे जो है मुलायम हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी। तो चीनी मैंने लिया है 3 मुट्ठी। तो चीनी मैंने ले लिया, इसके बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे मेल्ट करने तक। चीनी को मेल्ट कर देंगे। दोस्तों, चीनी जो है मेल्ट हो गई है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ ताकि ये थोड़ा मुलायम हो जाए। तो मैंने इसे ढक दिया। अब चलिए बीच में इसे चला देते हैं, वरना चिपक जाएगी। तो हमने हटाया और इसे चला दिया। चीनी डालने के बाद जो है ये थोड़ी सी गाढ़ी चिपचिपी हो जाती है, और हमें वैसा ही बनाना है ताकि ये बाइंड हो सके अच्छे से और इसका फ्लेवर निकल सके। नारियल का कलर बिल्कुल बदल चुका है, पहले ब्राउन हो गई है। दोस्तों, चाशनी के साथ पके हुए भी लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पाउडर मिल्क। तो हमने पाउडर मिल्क डाल दिया।
और हम इसे गैस से उतार लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छी सीटी हो चुकी है, सूख चुकी है बिल्कुल। तो हम इसे अच्छे से फेंट देंगे और अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो हल्का सा दूध ऐड करके आप इसे गैस में चढ़ाकर इसे अच्छे से मिलाकर, और जब ये स्टिकी स्टिकी लगने लगे थोड़ा सा हाथ में उठाकर देखिए, अगर ये बाइंड हो रहा है तो आपका ये बिल्कुल तैयार है। और इसे उतार लीजिए और इसे हवा में रख दीजिए, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम बाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम हाथ में लगाएंगे घी, और जितना बड़ा लड्डू बनाना है उसके हिसाब से नारियल को लीजिए और हथेली पे इसे दबाकर गोल गोल शेप दे दीजिए। तो मैंने बना लिया पहला लड्डू, उसी तरीके से सारे को करना है। तो ध्यान रखिए ये पूरा गर्म रहेगा तो ये नहीं बनेगा, ये टूट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, उसके बाद में नारियल का शेप दीजिए। दोस्तों नारियल लड्डू बिल्कुल तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा और बहुत जल्दी बन जाता है, लगभग 15 मिनट में पूरा प्रोसेस हो जाता है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।